विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक देश से टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने टीबी मरीजों से अपील करते हुए कहा कि समय से दवा खाएं तथा दवा का पूरा कोर्स करें, जिससे कि आपका इलाज पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि इसका जांच समय से कराते रहें, जिससे कि टीबी को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके। उन्होंने कि दो हफ्ते से ज्यादा खांसी तथा दो हफ्ते से ज्यादा बुखार तथा भूख न लगना और सीने में दर्द तथा खांसी के साथ खून आता है तो वह मरीज सरकारी अस्पताल में जाकर तुरंत जांच कराए और लाभ उठाए। उन्होंने टीबी मरीजों से फेस मास्क लगाने की अपील भी की, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मास्क लगाने से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण नहीं होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कहा, विश्व टीबी दिवस पर जो है हमें जन जागरण अभियान इस वर्ष करना है और साथ ही साथ जो है फेस मास्क सेल्फी कैंपेन चलाना है आज से, और जो है क्लॉक इज टिकलिंग यानी जो है अब घड़ी जो है बजने वाली है, क्योंकि हमको माननीय प्रधानमंत्री की जो है जिन्होंने कहा है कि 2025 तक हम इसका उन्मूलन करेंगे, हर पब्लिक को यानी जनता को जागृत करना है, मरीज को भी जागृत करना है कि भैया आप समय से दवा खाओ, पूरा कोर्स करो, जिससे कि आपका पक्का इलाज होगा। हम जो है डॉक्टर को भी सेंसिटाइज करेंगे कि जो है समय से उसका जांच कराएं और उसका जो है सेंसिटिविटी टेस्ट भी करा लें, क्योंकि जो है वह कहीं रेजिस्टेंट तो नहीं है, और उसी के हिसाब से जांच हो और इलाज हो कि जिससे कि हमारा 100% जो है टीबी का उन्मूलन हो सके। यह साथ साथ जो है हम जो है जहां तहां गोष्ठी करेंगे, टीबी के बारे में बताएंगे कि टीबी क्या होता है, दो हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बुखार हो, भूख न लगता हो, सीने में दर्द होता हो और खांसी के साथ यदि खून आता है तो आप जो है तुरंत जा कर के जो है सरकारी अस्पताल में जांच कराएं और जो है इसका पूरा लाभ उठाएं। और जो सुविधाएँ मिल रही है जो कि मरीज को जो है पोषण के रूप में 500 रुपया पर मंथ दिया जाता है, जब तक कि टीबी की दवा चलती है उसका सदुपयोग करें, अपना जो खाने पीने की व्यवस्था बनाए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, यानी हमको जो है हर स्तर पर मरीज को, डॉक्टर को और जनता को जागरूक करना है, क्योंकि यदि टीबी किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो वह घर में कम से कम जो है जो भी कंटेक्ट में आते हैं उनको फैलाता है। साल में देखा गया है वह व्यक्ति 10 से 15 लोगों को जो है टीबी दे देता है जो उसके ज़्यादा करीब में होते हैं। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो जिनको रोग हो गया है उनका समुचित इलाज चलना चाहिए और दूसरे लोग जो हैं इससे टीबी से जो है ग्रसित न होने पाए। फेस मास्क कैंपेन का मतलब है फेस मास्क लगाने से यदि किसी व्यक्ति को टीबी है तो दूसरे से उसको संक्रमण नहीं फैलेगा। साथ साथ जो है हमारा कोरोना काल जो चल रहा है उससे कोरोना का भी बचाव होगा, और जो एलर्जिक प्रॉब्लम होता है जैसे धूल, धक्कड़, खांसी, ये एलर्जी जो होती हैं उससे भी हमको फेस मास्क लगाने से जो है बचाव होगा। यानी जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, संक्रामक बीमारी है, जो छींकने खांसने से होता है इससे बचाव होगा। और इसके लिए हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने RTPMO यानी रीजनल प्रोग्राम ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया है, जो कि इसमें 3 मंडल इन्वॉल्व हुए हैं। 3 मंडल में 10 जिले आते हैं। इसकी जो है क्लोज मॉनिटरिंग जो होती है टीबी की जो है क्लोज मॉनिटरिंग होगी, समय से जो है उसमें ट्रेनिंग होगा और टीबी के बारे में बताया जाएगा, और वह कर्मचारी अधिकारी जो जा कर के फील्ड में पूरी तत्परता से काम करेंगे, जैसे कि अपने क्षेत्र से टीबी को उन्मूलन किया जा सके। इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ आज ही के दिन जो है LPA लैब का यानी लाइन प्रोब ऐसे लैब का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। इससे जो है टीबी की जो जांच में जो है सेंसिटिविटी जो ड्रग्स होती है, कौन सी दवा कौन कितनी कारगर होती है, उसका जांच जो है 72 घंटे में मिल जाएगा, जिससे कि हमारी टीबी के इलाज की प्लानिंग अति उत्तम हो जाएगा। यानी हमारे गोरखपुर ज़िला में 2 उपलब्धि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, एक RTPMO गोरखपुर, दूसरा LPA लैब का उद्घाटन जो कि BRD मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
अपने यहाँ जांच के लिए ड्रग सेंसिटिव टेस्ट के लिए जिससे कि किस तरह की टीबी है उसके लिए जो है 3 सीबी नेट मशीन है जो कि एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लगा है और एक जो है डीटीसी यानी जिला चिकित्सालय में है और एक जो है हमारा रूरल क्षेत्र बरहलगंज में है। और ड्रग सेंसिटिव टेस्ट के लिए 2 नेट मशीन भी आ चुकी है जो कि अभी जो है 1 घंटे में रिपोर्ट देती है कि जो टीबी है कि टीबी सेंसिटिव वाला है कि रेजिस्टेंट वाला है। यानी हमारे गोरखपुर में टीबी की जांच के लिए उसके निर्मूलन के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं और यही जो है हम पब्लिक में हमको बताना है जागृत करना है उसका समुचित लाभ उठाएं जिससे कि अपना गोरखपुर जो है टीबी मुक्त हो सके और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को 2025 में पूरा कर सकें।